बुलढाणा से नागपुर आई महिला का 3 माह का नवजात शिशु अगवा होने की घटना मोमिनपुरा के जामा मस्जिद के सामने हुई है। पति पत्नी के विवाद के बाद नागपुर चली आई थी महिला, अब पति पर बच्चा अगवा करने का संदेह। फरियादी रेहाना परवीन वसीम अंसारी उम्र 32 वर्ष के मोमिनपुरा निवासी होकर वो काम के सिलसिले में बुलढाणा के सैलानी शहर में रहते थे। इस दंपति को 8 बच्चे थे, जिनमें से एक बच्चा मर गया, वहीं 3 बच्चे इस महिला ने डोनेट कर दिए। बचे 4 बच्चों की उम्र 12, 10, 7 और 6 वर्ष है। उसके बाद महिला ने 9वें संतान को जन्म दिया, जो कि सिर्फ 3 महीने का है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कल दंपति के बीच झगड़ा हो गया, जिसके बाद महिला अपने बच्चों समेत शाम 7 बजे के करीब नागपुर पहुंची और मोमिनपुरा में जामा मस्जिद के सामने आकर रुकी। वहीं उसने इधर उधर से मांग कर बच्चों को खाना खिलाया और रात में वही मस्जिद के सामने कपड़े के दुकान के पास सो गई। तड़के 4 बजे उसने अपने 3 माह के बच्चे को दूध भी पिलाया। उसके बाद जब सुबह के 8 से 8:30 बजे कपड़ा दुकान मालिक जब अपने दुकान खोलने के लिए वहां पहुंचे, तो उन्होंने उक्त महिला को जगाया। तब उस महिला को पता चला कि उसका छोटा बच्चा गायब है। महिला ने तुरंत आसपास में अपने बच्चे को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन बच्चा उसे कहीं नहीं मिला। तब उसने तत्काल तहसील पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई अपने बच्चे के गुमशुदा होने की। इस बीच महिला का जो बड़ा बेटा है, उसने भी ऐसी बात कही है कि सुबह करीब उसने अपने पिता जैसे शख्स को देखा और पुलिस की भी शक की सुई उसके पति की तरफ जा रही है, क्योंकि बुलढाणा में जब जांच के लिए पूछताछ की गई, तो जिस दुकान में महिला का पति काम करता है, उन्होंने बताया कि वो भी दुकान से निकल चुका है। महज 3 माह के बच्चे को अगवा किए जाने की घटना से फिलहाल परिसर में चिंता का माहौल बना हुआ है। ये रहते तो इसी रोड पे थे, तकरीबन 8-10 साल से ये रोड पे ही रह रहे हैं। और उसके अलावा जो वो अपना इसके जो बच्चे है, इसके 4 बच्चे इसके साथ में थे और 3 बच्चे थे, जो एक लड़की थी जो मेरे पास में है, एक बच्चा इसकी साली के पास में है और एक पता नहीं किसको दी है वो नहीं माला, और एक बच्चा मर गया था। इसको टोटल 8 बच्चे और ये काम यही भीख मंगने का काम कर रहे थे कुछ सालों से और ऐसे ही रह रहे थे। ये कहाँ रहते थे हाल फिलहाल में? अभी ये सैलानी में रहते थे, सैलानी से कल आई है और अपना क्या नाम है इसका आ रहा है, ऐसा हो गया। पति साथ में नहीं था, पति बोलते अभी आने का ही है। वहाँ पे 4 बजे वो निकला वहाँ से और इनको सुबह 11 बजे भिजा चुका था। वैभव वसीम अंसारी ही महिला मूळची मोमिनपुऱ्याची, तिचा सासर माहेर इथला आहे। ती आणि तिचा नवरा वसीम अंसारी हे दोघं सैलानी बुलढाणा जिल्ह्यात 4 महिन्यापासून गेले होते कामधंद्यासाठी। काल दोघं नवरा बायकोत काही भांडण झालं, वाद झाला। ती 11 वाजता तिथून सैलानीतून निघाली आणि तिचा नवरा पण 3:30 वाजता निघाला अशी माहिती कळलेली। ती मोमिनपुऱ्यात जामा मशीदसमोर 6-7 वाजता आली काल, आणि नंतर जामा मशीदसमोरच करीम क्लॉथ सेंटर म्हणून आहेत जवळ स्थित झोपली। रात्री तिथं खाल्लं वगैरे 4 मुलं तिचे बरोबर होते। 11 वाजताही बऱ्याच लोकांनी पाहिलं की 4 मुलांसह ती होती आणि त्या त्याच ठिकाणीच उघड्यावर झोपली फुटपाथावर। सकाळी ती म्हणते की 4 वाजता मी त्या मुलाला फिडिंग वगैरे केलं व त्याला झोपवलं, आणि जेव्हा 5:30 वाजता रस्त्यावरचे बाजूचे कोणी आले, त्यांनी त्यांना उठवलं की अभी सुबह हो रे, उठो रस्ते में मत सो। त्यावेळेस तिला तिचा लहान बाळ, जे 4 महिन्याचं बाळ आहे, ओसान करीम म्हणून, तो दिसून आला नाही। त्यांनी आजूबाजूला शोध घेतला, काही मिळून आला नाही। त्यानंतर ती पोलीस स्टेशनला 8:30 दरम्यान आली। आल्यानंतर आम्ही गांभीर्याने लगेच घटनास्थळी गेलो। 3-4 टीम तयार केल्या, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, जे सर्व जिथं भिकारी बसतात, मेओ हॉस्पिटल वगैरे सर्व ठिकाणी बाळाचा शोध घेत आहोत। NBCN न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ माहिन पठान की रिपोर्ट।